आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आप लोगों ने एक जलियांवाला बाग सुना है। जलियांवाला बाग में एक कहानी आपने सुनी है कि जहाँ पर कुछ हजार लोगों को गोलियों से गोल दिया गया, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे बीसों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। मैं नहीं जानता, जब मैं नहीं जानता तो आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या देकर जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का एकमात्र लक्ष्य ये है कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली भावी जितनी भी हमारी संतानें हैं, उन लोगों को ये एहसास रहे कि जिस आज़ाद हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वो इतनी आसानी से हमको हासिल नहीं होगी, उनको इतनी आसानी से वो हासिल नहीं होगी। झांसी की रानी आप यहाँ पर हैं, झांसी की रानी की कहानी आपने सुनी हुई है, आपने चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी सुनी है, आपने भगत सिंह जी की कहानी सुनी है, लेकिन ऐसी घटनाएं जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन कहानियों को हम लोगों को दर्ज करना है, उन कहानियों को लिखना है, उन कहानियों को आपने हम लोगों को, मैं जब उस चीज़ की प्रेजेंटेशन दूंगा आपको, मैं उसमें स्टेप बाई स्टेप एक एक चीज़ का मैं विवरण दूंगा आपको, उन कहानियों को हमको संजो कर आपको हमारे ईमेल आईडी पर भेजना है, और फिर उन कहानियों को हमारी सीसीआरटी की टीम प्रोसेस करती है और आगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भेजती है, जहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की टीम उनको अपलोड करने का काम करती है। तो टोटल इस प्रोजेक्ट को लेकर टोटल चार विषय, जैसे अतुल सर ने बताया, चार विषय हैं। एक है अनसंग हीरोज की कहानी आपको इकट्ठा करनी है, अनसंग हीरो या लेसर नोन हीरो जिनके बारे में हम नहीं जानते, ऐसे फ्रीडम फाइटर, ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ज़रूरी नहीं है उन्होंने छाती पर गोली खाई, उन्होंने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे